दोस्तों ये साइबेरियन हस्की है, बेसिकली ये साइबेरिया की ब्रीड है और हिज नेम इज हंटर। हाँ बेटा, ये बहुत ही प्लेफुल, बहुत एनर्जेटिक और बहुत शानदार ब्रीड होते हैं। बेसिकली इनको गर्म जगहों पे नहीं रखना चाहिए, तो एसी और कूलर की व्यवस्था प्रॉपर आपको अप्रैल मई जून जुलाई के अंदर कर देनी चाहिए अगर आप एक साइबेरियन हस्की रखने की सोच रहे हैं। अभी के मौसम में जनवरी फरवरी दिसंबर इनका सबसे फेवरेट मौसम है क्योंकि ये खुद बर्फ पे रहने वाले डॉग हैं। और इनमें एक खासियत आपको बताऊं, ये ब्लू आईज में मिलते हैं, ऑड आईज में मिलते हैं। ब्लू आईज मतलब नीली आंखें, ऑड आईज मतलब एक नीली आंख एक भूरी आंख, या एक लाल एक नीली, एक काला एक भूरा, ऐसा भी होता है कहीं ना। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ट्रेंडेबल कलर है ये, ब्लैक एंड व्हाइट। तो बेसिकली साइबेरियन हस्की की जो दुम होती है काफी लंबी चौड़ी ऐसी मोटी होती है, ठीक है। ये हल्की सी कर्व हो सकती है, बहुत सारे लोग कहते हैं सीधी होनी चाहिए। ये जब एक्साइटेड होता है, अभी जैसे मैं अगर रैबिट के पास ले जाऊंगा, देखिए ये दुम घुमा देगा। तो जब भी डॉग एक्साइटेड होगा या खेलने के मोड में आएगा तो अपनी दुम घुमा लेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्योर नहीं है, ये नेचुरल है, ये रॉटविलर भी करता है, कभी कभार लैब्रा भी हल्की सी दुम उठा लेता है, ठीक है। वो हर एक्साइटमेंट में करता है। अभी देखिए एकदम रिलैक्स है, एकदम सही है ना। अरे तुम भी ऑड आईज हो, इधर आओ इधर, आपको तो पता ही नहीं था। ये देखिए ऑड आईज है दोस्तों, इसकी भी एक आंख नीली और एक आंख भूरी है, अगर कैमरा दिखा पा रहा हो तो। ये देखिए ये ब्लू आईज है, ये ब्राउन है ना। चलिए, इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड डू कमेंट एंड टेल अस कि अगली वीडियो आप किस बारे में देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।